ड्यूरिंग ऑटोफेजी यानी जो रमज़ान के रोज़े में इफ्तार के वक्त सबसे ज़्यादा ऑयल फूड जंक फूड का अवॉइड कीजिएगा, खासकर उन पेशेंट जो कीमोथेरेपी के प्रोसेसिंग में है, जो कैंसर पेशेंट होते हैं उन्हें मस्ट है कि ऑयल फूड अवॉइड कीजिएगा। सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स का इस्तेमाल कीजिएगा, प्रोटीन जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स होते हैं उसका इस्तेमाल कीजिएगा, एंड साथ ही साथ ग्रीन वेजिटेबल्स, कलरफुल वेजिटेबल्स होते हैं उसका इस्तेमाल कीजिएगा। इसके अंदर विटामिन सी, विटामिन ए होता है, ये स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये फ्री रेडिकल से लड़ने के लिए बहुत ही मदद होती है। साथ ही साथ हेल्दी फैट्स का भी इस्तेमाल कीजिएगा, प्रोटीन सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद पेशेंट बहुत वीक हो जाता है तो बॉडी रेट नहीं कर पाती है, तो बॉडी को प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप रेड मीट, वाइट मीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैंसर पेशेंट में एपेटाइट की शिकायत होती है, यानी खाना भूख बहुत कम लगती है इन पेशेंट में, मिंट का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा यानी पुदीना का इस्तेमाल कीजिए, इससे खाना अच्छा डाइजेस्ट होता है और जो प्रोटीन्स होते हैं अच्छे से एब्जॉर्प्शन होते हैं।